बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बहुत अच्छे उसमें खुशी से एक बड़े दिल के साथ ये बात बताते हुए खुशी महसूस कर रहा हूँ कि JDC ने जो एक बेड़ा उठाया था कि पूरी दुनिया में ये स्टेप किसी ने नहीं लिया, पूरे वर्ल्ड में चैरिटी की दुनिया में ये स्टेप किसी ने नहीं लिया कि किसी भी एक बड़े शहर के अंदर या किसी भी शहर में उसके शहर के बीचों बीच खून टेस्ट करने की फ्री लैब खोली जाए और उसमें वो मशीनें लगाई जाएँ जो पूरे मुल्क में किसी अस्पतालों में, प्राइवेट सरकारी अस्पतालों में मौजूद ना हो। JDC ने काम पाकिस्तान के शहर कराची में किया। हमने यहाँ पर जर्मनी की मशीनें लगाई सीमेंस की, हमने यहाँ पर स्नाइप लगाया हांगकांग का, हमने यहाँ अमेरिकन बैकमैन लगाया, लेटेस्ट तरीन वर्जन लगाए और हमने दावा किया कि वो तमाम खून के टेस्ट जो पूरे मुल्क के तमाम अस्पतालों में मैनुअल हो रहे हैं, डेंगू और मलेरिया जिस वक्त की मशीनें हमने लगाई थी उस वक्त दावा किया था, वो हमारे यहाँ ऑटोमेशन पर हो रहे हैं। यहाँ पर मशीनें लगी अल्हम्दुलिल्लाह, आज 4 नवंबर को पूरा साल मुकम्मल हो गया है और तकरीबन लगभग 48 लाख के करीब खून के टेस्ट हुए। गवर्नर सिंह साहब को हम बार बार बुलाते रहे इस लैब पे, आए जब जब मशीनें आई इन्होंने उसका इफ्तिताह भी किया, देखा भी। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी यहाँ मशीनों का इफ्तिताह किया और वो जो एक मसला था जो दावा कर रही थी मुख्तलिफ लेबॉरटरीज और बहुत पैसा खर्च किया जा रहा था जिसके ऊपर खबरें लगाई जा रही थी, ये लैब एक हफ्ता नहीं चल सकती, एक महीना नहीं चल सकती, ये करोड़ों रुपए के खर्चा कैसे बर्दाश्त करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं, एक एक महीने का $4-4, $5-5 लाख खर्चा था, लेकिन आज पूरा साल मुकम्मल हो गया है और गवर्नर साहब आए यहाँ पर, मरीजों के साथ वक्त भी गुजारा, उनके पर्चे भी देखे, एक एक मरीज को ये अस्पताल माफिया कितने कितने टेस्ट लिख के भेज दिए ताकि हम पे बर्डन बढ़े, अपनी आंखों से गवर्नर साहब ने देखा। सबसे पहले मैं सर आपका शुक्रिया अदा करूंगा, आप टाइम निकाल के यहाँ आए और आपने पाकिस्तान की सबसे जदीद तरीन लैब के अंदर आज मरीजों से मुलाकात भी की, और कैसा लग रहा है आपको वो मशीनें जो आपके हाथ से यहाँ लगी थी, आज उससे लोग कैसे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, कैसी आपकी फीलिंग्स हैं लोगों के साथ? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं ज़रूर इस बात पर मुसर्रत भी रखता हूँ, खुशी भी रखता हूँ कि एक साल पहले जब ज़फ़र अब्बास भाई ने मुझे यहाँ इफ्तिदा के लिए बुलाया था और आज मैं वो देख भी रहा था कि मेरे नाम की तख्ती लगी है और टाइम इतनी तेज़ी से गुजर गया कि आज उन्होंने उसकी एनिवर्सरी रखी है। एक साल गुजरने पर इन्होंने 48 लाख टेस्ट लोगों के किए हैं और तकरीबन लगभग 8 लाख लोगों ने ये टेस्ट करवाए। अभी जब मैं बाहर आया तो मैं देख रहा था कि एक मरीज़ के हाथ में जो स्लिप थी उस पर 14 टेस्ट लिखे हुए थे। तो मैं यहाँ ज़फ़र अब्बास भाई को ये मशवरा भी दूंगा कि आप यहाँ एक डॉक्टर भी बिठाएं और वो भी इस चीज़ को डबल चेक करें कि क्या एक मरीज़ को 14-14 टेस्ट करवाने की ज़रूरत है, या पता ये चले कि सिर्फ आपको नाकाम करने के लिए अगली बार 28-28 टेस्ट लिख के दे दिए जाए। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो बेड़ा इन्होंने उठाया है, मेरी बहैसियत गवर्नर सिंह मुकम्मल सपोर्ट और तआवुन ज़फ़र अब्बास भाई के साथ है और रहेगा, और मेरी इनसे कई बार बातचीत हुई है कि इंशाल्लाह अनकरीब पूरे सिंध में और हैदराबाद बाकी भी जगहों के ऊपर इसी तरह की फैसिलिटीज़ फ्री लैब पूरे सिंध में इंशाल्लाह ताला अनकरीब ज़फ़र अब्बास भाई खोलेंगे और उसमें मेरी इनको मुकम्मल तआवुन और सपोर्ट रहेगा इंशाल्लाह ताला। शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया, थैंक यू।